एक्सप्रेसवे के 148 कट पर बड़ा सड़क हादसा। टायर फटने से बस डिवाइडर से टकराकर पलटी। प्रवासी कामगारों से खचाखच भरी थी बस। हादसे में 40 से ज्यादा बस सवार प्रवासी कामगार घायल। 26 घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, बाकी मामूली रूप से घायल। बस में 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूर थे सवार। बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। लॉकडाउन में दिल्ली से लौटे थे बिहार। अनलॉक में काम की तलाश में फिर जा रहे थे बिहार से दिल्ली। देखिए, ये सुबह 9:30 बजे करीब सूचना मिली है थाना सोरिक को कि आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे जो बना हुआ है, इस पर 148 माइल स्टोन के पास में एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आकर के देखा गया तो बस का जो अगला हिस्से का उसका दायना टायर जो है फट गया था। गाड़ी जो है बैलेंस बिगड़ा और जाकर के रोड में ही पलट गई। तत्काल हमारा फोर्स यहाँ पर पहुँचा है, उसके बाद में यूपीडा वगैरह भी आए हैं, उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ जो भी उपलब्ध कराई गई है उसके साथ में तुरंत ही घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। और जैसे कि वहाँ से मैंने मालूम किया है, मेडिकल कॉलेज के प्रभारी साहब हैं इंस्पेक्टर तिरवा, उन्होंने बताया कि साहब 26 लोग जो हैं वहाँ पर अभी इलाज उनका चल रहा है और कोई उनमें ऐसा गंभीर नहीं है। शायद किसी एक का जो है पैर, और मेरे ख्याल से पैर टूटने की उसमें संभावना है, और बाकी किसी खरों चाहिए ऐसे छोटे मामूली रूप से घायल हैं और 26 लोग वहाँ पर हैं। सर, अभी हाल में ही एक्सप्रेस वे पे 148 पर अभी कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। तो देखा जाए तो तय सवारी की अपेक्षा ये लोग ज़्यादा सवारियां गाड़ी में लेके चलते हैं सर, और कहीं ना कहीं इस ये एक वजह हो सकता है सर हादसों की। तो ऐसे लापरवाह बस चालकों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये परिवहन विभाग का इसमें काम है कि वो ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ठीक है ना। अब इसमें बिहार की बसें वगैरह हैं कायदे में, तो इसको बिहार गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई इस प्रकार की बसें वहाँ से ना ऑथराइज करी जाए, ना परमिशन दी जाए, जो कि जाकर के दुर्घटना का सबब बन रही है। ज़्यादातर बसें जितनी भी यहाँ पर आपने देखा होगा अमन बिहार से संबंधित हुई, तो इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि परमिशन इस प्रकार की जो अनऑथराइज चीज़ें हैं और दुर्घटना का सबब बन रही हैं उसको गवर्नमेंट को उन्होंने इसमें रोक लगानी चाहिए। और ये संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसके लिए RTO विभाग है, परिवहन विभाग है, इनको कार्रवाई करनी चाहिए।